हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय IAS। UPPCS 2022 का रिजल्ट जो है वो रेडी है और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मंडे से ट्यूसडे में डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। और मैंने एक महीने से पहले मतलब करीब 40 दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि ये लास्ट वीक में आएगा, ये जो है लास्ट वीक में आएगा। तो ये लास्ट वीक, जुलाई लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, तो इसी वीक आना है और मंडे ट्यूसडे में ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। इसके अलावा ये सुनने में मिल रहा है कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 5 में चेंज है या समथिंग है, मतलब 10-11 क्वेश्चन का हेर फेर है इस बार भी। तो 10-11 क्वेश्चन में तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिजल्ट को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा हेर फेर है तो ये भी हो सकता है कि कट ऑफ 82-83 चली जाए, ठीक है। क्योंकि फिर ये क्वेश्चन मैटर नहीं करेंगे, फिर आपके मार्क्स ज़्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा मैटर करेंगे क्योंकि फिर पर मार्क्स क्वेश्चन जब अगर डिलीट होते हैं तो पर मार्क्स क्वेश्चन भी बढ़ जाता है ना, तो मार्क्स ज़्यादा मैटर करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा वो होगा तो ये 82-83 भी जा सकता है, ठीक है। और सी साइड में भी 2-3 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं सी साइड में भी, तो ये मान सी साइड में जो 30-31 के पे थे वो भी पास हो जाएंगे डिलीट होने के बाद। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में यहाँ पे भी है, तो सी साइड में ये हो जाएगा। इसके अलावा फिर रिजल्ट आने के बाद आपको लगभग 10 दिन के अंदर, within 10 days आपको डैफ भरवा लिया जाएगा, डैफ फिल करना होगा within 10 days रिजल्ट आने के, ठीक है। उसमें आप अपना अगर ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना क्या मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डैफ भरवा लिया जाएगा within 10 days। तो रिज़ल्ट जो है वो आपका मंडे ट्यूसडे में देखने को मिल सकता है, बहुत ब्राइट चांसेस हैं इसके, और क्वेश्चंस में भी चेंजेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं आपको। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द रिज़ल्ट।